नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण चौधरी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक और आंदोलन लेके जिसका नाम है भगत आंदोलन। दोस्तों, आपने मेरा चैनल प्रवीण चौधरी राजस्थान जी के भाई प्रवीण चौधरी लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये मेरा चैनल यूट्यूब पे राजस्थान जी के भाई प्रवीण चौधरी आप जल्द ही सब्सक्राइब और लाइक कर लें। अब बात करते हैं भगत आंदोलन की। अगर बात की जाएगी, भगत आंदोलन चलाया गया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र में भीलों को उनके राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए गुरु गोविंद गिरी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो मैंने आपको ये कहा कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भीलों को राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। यहां पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के जो भील जनजाति थी वो यहां पर डाकन प्रथा और विभिन्न प्रकार के लागबाग और करों से परेशान थी, जिसकी वजह से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बेड़ा उठाया गुरु गोविंद गिरी ने। और इन्होंने इसके लिए 1883 में एक सभा का आयोजन किया, 1883 में एक सभा का गठन किया जिसका नाम था संप सभा। इन्होंने गुरु गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम था संप सभा। इस बार हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, संप सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर आएगा गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। गुरु गोविंद गिरी का जन्म, अगर बात करेंगे गुरु गोविंद गिरी के जन्म की, गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांशिया नामक गांव में हुआ था। मैंने ये कहा कि साहब भगत आंदोलन का नेतृत्व है गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया, जिनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के गांव बांशिया नामक गांव में हुआ। इन्होंने भीलों को राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए 1883 में संप सभा का गठन किया, जो इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए। अब देखिए, इन्होंने 1903 में बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ियां पड़ती हैं, मानगढ़ की पहाड़ियों पर इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष अपन संप सभा का एक अधिवेशन आयोजित करेंगे मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर। प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन आयोजित किया जाता, लेकिन 1917 की अगर बात करेंगे, 17 नवंबर 1913 का जो इस संप सभा का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चलवा दी। और इस 17 नवंबर 1913 के अधिवेशन पर जब गोलियां चली तो लगभग 1500 भील इस अधिवेशन में मारे जाते हैं। ये एक बर्बर हत्याकांड यहाँ पर हुआ, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 17 नवंबर 2013 को मुख्यमंत्री शहादत शताब्दी समारोह भी मनाया गया। ये भी एक बार क्वेश्चन अपने यहाँ पर राजस्थान लेवल पे पूछा जा चुका है। देखिए, मैंने ये कहा कि साहब भगत आंदोलन का 1913 में जो अधिवेशन चला था, जिस पर गोलियां चला देने से 1500 भीलों की मृत्यु हो जाती है, गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें प्रारंभ में 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में भील जनजाति के विद्रोह विरोध के कारण यह सजा 10 वर्ष कम कर दी जाती है और बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है। ये था दोस्तों भगत आंदोलन जो चलाया गया गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, और भीलों को उनके राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया गया। और इन्हीं गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया नामक गांव में हुआ, और इन्होंने 1883 में संप सभा का गठन किया और 1903 में मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। इसी समय ये निर्णय लिया गया कि इसका प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। 17 नवंबर 1913 को जब इसका अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसके ऊपर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रारंभ में उन्हें 20 वर्ष की सजा, बाद में 10 वर्ष और बाद में उनको रिहा कर दिया गया। गुरु गोविंद गिरी की याद में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन किया जाता है। अभी दोस्तों अपन ने पढ़ा भगत आंदोलन, अब अपन बात करते हैं भूमट आंदोलन या एकी आंदोलन की। अगर बात की जाएगी
आदिवासियों के हकों के लिए पहला राजनीतिक संघर्ष अगर हुआ तो वो किया गया था एकी आंदोलन, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत के बारे में आपने सुना होगा। अगर बात की जाएगी एकी आंदोलन को भौमट आंदोलन भी कहा जाता है, और इस भौमट के अर्थ की अगर बात करेंगे, भौमट का मतलब होता है भीलों का निवास स्थान। मैंने आपको ये कहा इस भौमट आंदोलन की बात की जाएगी, इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात करेंगे, इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत के जन्म स्थान की अगर बात करेंगे, मैंने आपको ये कहा दोस्तों भौमट आंदोलन या एकी आंदोलन दोनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से आपको मिल सकते हैं ये एग्जाम में। भौमट का मतलब होता है भीलों का निवास स्थान। भीलों के लिए राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए ये प्रथम आंदोलन किया गया था, जिसका नेतृत्व किया गया मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहा जाता है। इनके जन्म की अगर बात करेंगे, इनका जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में 1886 को हुआ था। और मैंने ये कहा मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहा जाता है। भीलों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत को भील जाति अपने बाबूजी के नाम से भी पुकारती है। देखिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर भौमट आंदोलन या एकी आंदोलन का नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत था, जिसका जन्म 1886 में कोल्यारी नामक गांव में हुआ। और इन्हें भीलों का मसीहा कहा जाता है, और भील जाति के लोग इन्हें बाबूजी कहकर पुकारते हैं। इन्होंने भीलों के लिए क्या किया अगर बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी तहसील के मात्र कुंडिया गांव में इन्होंने अपना 21 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अर्थात मेवाड़ सरकार के सामने इन्होंने अपनी 21 मांगे रखी थी। मोतीलाल तेजावत जी ने चित्तौड़ के राशमी तहसील के मात्र कुंडिया गांव में 21 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जब मोतीलाल तेजावत जी ने मात्र कुंडिया गांव में 21 सूत्री कार्यक्रम अर्थात 21 अपनी मांगे मेवाड़ सरकार के सामने रखी, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस 21 सूत्री कार्यक्रम को मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे मात्र कुंडिया गांव की, मात्र कुंडिया गांव को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। मैंने आपको दो बातें अभी बताई, मैंने कहा कि 21 सूत्री कार्यक्रम को मेवाड़ की पुकार तथा मात्र कुंडिया गांव को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। लेकिन जब ये 21 सूत्री मांगे मेवाड़ सरकार के सामने पेश की गई, लेकिन मेवाड़ सरकार के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण 7 मार्च 1922 की बात आती है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 7 मार्च 1922 को निमड़ा नामक स्थान पर आंदोलन किया जा रहा था, सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या चलाएगी, मैंने एक